गुरुग्राम के चार पेट्रोल पंपों में कुछ अनियमितताओं की आई शिकायतों पर खट्टर सरकार कार्रवाई करेगी, जिस पर जांच चल रही है। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने कहा कि गुरुग्राम के चार पेट्रोल पंपों को दिए गए CLU के संबंध में कुछ अनियमितताओं की शिकायत मिली थी, जिस पर जांच जारी है। ये चारों पेट्रोल पंप हुड्डा सरकार के बेहद करीबियों के बताए जा रहे हैं। कुछ अनियमितताओं की एक शिकायत आई थी, एक जांच उसमें चल रही है, उस जांच रिपोर्ट में कुछ कुछ आया है और ये तथ्य तो आया है, लेकिन उसका एक ही मुश्त में पूरा फैसला हो उसके लिए अभी ये चल रहा है, क्योंकि उस रिपोर्ट में ये स्पष्ट नहीं था कि जब उनमें से कुछ को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दिए गए हैं तो उस समय में वो हाई टेंशन वायर आ चुकी थी, तो वो लोग कौन दोषी हैं, अधिकारी या कर्मचारी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये उस वक्त नहीं दर्शाया कि ये ऐसा हो चुका है। दरअसल गुरुग्राम में सेक्टर 62 और 65 में चार पेट्रोल पंपों के ऊपर से हाई टेंशन बिजली की तारें गुजर रही हैं। इसके बावजूद इन चारों पेट्रोल पंपों के लिए ना सिर्फ CLU दी गई बल्कि फायर और एक्सप्लोसिव डिपार्टमेंट की NOC भी मिल गई। इन मामलों में सरकार को 31 जनवरी तक एक्शन रिपोर्ट मिल जाएगी। चंडीगढ़ से अनिल कुमार, टोटल न्यूज।